हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ समर ग्लैम लुक। समर्स में हम लोग बाहर तो बहुत जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पे ही बैठे रहे, वो पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। लेकिन अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो हम लोगों को ऑब्वियसली मेकअप करना पड़ता है, मिनिमम हो तभी भी करना पड़ता है, इट्स नेचुरल यू नो। बट अगर आप लोग बाहर जाए फिर स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, कुछ देर बाद मेकअप बहुत ही ऑयली लग जाती है, स्किन में मेकअप गलने लगता है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं लेके आई हूँ एक समर ग्लैम लुक। बहुत ही ज्यादा सिंपल है और दिखने में ये लगेगा ही नहीं कि आपने मेकअप किया है, बहुत देर तक स्टे भी करे। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपकी मेकअप सच में स्टे करे और बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लगे, इसका एक ही सॉल्यूशन है जो मेरे पास है, वो है आइसिंग। अगर आप अपने फेस पे मेकअप करने से पहले आइस यूज करेंगे तो आपके सारे पोर्स को वो श्रिंक कर देगा और फिर वहां से ज्यादा स्वेटिंग नहीं होगी, उन पे मेकअप बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगेगी। तो फर्स्ट हम लोग अपने फेस पे करेंगे आइसिंग। फेस आइस रोलर यूज करूंगी, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग भी फेस में फेस रोलर जो किट है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और अमेजोन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप लोग इसे यूज करें क्योंकि इसे आप लोग जितनी मर्जी चाहे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आइस क्यूब्स यूज करेंगे तो आप अपने हाथों में ज्यादा देर तक वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, इससे क्या होगा ज्यादा देर तक आप मसाज नहीं कर पाएंगे और आप कुछ पोर्स ओपन रह जाएंगे और उससे स्वेटिंग हो चांसेस है। तो पैड ड्राई कर लेती, आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी स्किन को पैड ड्राई कर लिया है, एकदम सूख चुका है। तो इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं सिंपल का मॉइस्चराइजर कर रही हूँ, ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, मैं हर दिन इसको ही यूज करती हूँ। और आइसिंग के बाद आप लोगों को 100% मॉइस्चराइजर यूज करना है क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मैं अपनी स्किन पे अच्छी सी मॉइस्चराइज कर लूंगी। मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद जैसे सनस्क्रीन की जरूरत है, सनस्क्रीन यूज करने वाली हूँ, मैंने इसका रिव्यू भी किया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टू फिंगर वाला जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मैं अभी बाहर निकलने वाली हूँ। क्या है मैंने टू फिंगर वाला ये सनस्क्रीन, अभी मैं इसको अपने पूरे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, अपनी स्किन को ड्यूई फिनिश भी देता है और प्रोटेक्ट भी करता है। समर में हम लोग को बिल्कुल भी ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, एकदम ही कम मेकअप करना है, जितना कम हो सके। हल्का सा कंसीलर मैं यूज़ करूँगी, एकदम हल्का कंसीलर यूज़ करूँगी, जस्ट अ सिंपल कवरेज। उसके बाद इस साइड भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेके भी ठीक से ब्लेंड नहीं कर पाएंगे तो फिर वो प्रोडक्ट ठीक से स्किन पे नहीं बैठेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो अभी मैंने सनस्क्रीन तो अप्लाई कर लिया है लेकिन फिर भी मैं अभी फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी। जैसे मैंने बोला बहुत ही सिंपल मेकअप रहने वाला है, इसलिए मैं लैक्मे का सीसी क्रीम लगाऊंगी। और ये लगाने के पीछे और एक मेरी वजह है कि इसमें भी SPF है तो हम लोगों को स्किन में डबल प्रोटेक्शन भी होगा, एक तो सनस्क्रीन का भी होगा और एक सीसी क्रीम का। तो ये भी मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करूँगी, इसलिए आप लोग देख सकते हैं मेकअप में यही थ्योरी होता है कि लेस इज मोर, आप लोग जितना कम लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका मेकअप खुल के बाहर आएगा। लेकिन आप लोगों को इसके लिए ब्लेंड भी करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा पाउडर यूज़ कर लूँगी अपने फेस पे, जैसे कि मेकअप सेट रहा है और स्वेटिंग कम हो, आप लोगों को तो पता ही है पाउडर लाइन कम हो जाता है। तो मैं इसको जस्ट बेक करने के लिए ऐसे लगा के छोड़ दूँगी, ये मेरा एक है कि आप लोग भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। पाउडर को पहले लगाने के बाद कभी भी एकदम इमीडिएट ब्लेंड मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद ब्लेंड कीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से कवरेज देगा, ज़्यादा अच्छे से काम भी करेगा। तो अभी ये हो चुका है, हाँ इसके लिए मैंने लैक्मे का ये जो पाउडर होता है ये इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही हैंडी है, एकदम हैंडी है लेडीज़ के लिए, एकदम अच्छा है। और इसमें सनस्क्रीन भी है, जैसे कि मैंने बोला समर्स के लिए मैं आउटिंग में जा रही हूँ तो मेरी सारे प्रोडक्ट्स में सनस्क्रीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अभी नहाने के टाइम ही मैंने अपने आईब्रोज़ किए हैं, तो मैं अपने आईब्रोज़ खुद से ही करती हूँ, अगर आप लोगों को वो भी देखना है तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं। तो अभी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, मैंने अभी अभी शेप दिया, तो जस्ट हल्का सा लगाने के बाद सूली से भी शेप देना है और निकाल लेना है। पाउडर को रख दिया था, अब इसको निकालने की बारी है क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फेस पे इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखूँगी। अगर मैंने बहुत सारा मेकअप किया है तो मैं एकदम मेकअप के लास्ट में ही इसको निकालती हूँ, जैसे कि मैंने बहुत ही कम मेकअप किया है इसलिए मैं ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखूँगी, अभी ही इसे निकाल लूँगी, इसको कुछ नहीं करूँगी। आप लोगों को आईशैडो लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मस्कारा भी एकदम ही एक ही कोट लगाना है, ज़्यादा कोट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग देख सकते हैं मेरे आईज़ कितने ज़्यादा नेचुरल लग रहे हैं, ज़्यादा बड़े लैशेज की भी हम लोग को जरूरत नहीं क्योंकि इस समर हम लोग कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही आउटिंग में जा रहे हैं समर्स में, तो वैसे भी हम लोग सनग्लासेस पहनने वाले हैं तो लैस लगाने की भी कोई मतलब नहीं बनता है, तो ऐसे ही नेचुरल लगे क्योंकि जब हम लोग सनग्लास उतारे तो फिर हमारे मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल लगे। क्योंकि हम लोग ज़्यादा मेकअप नहीं कर रहे हैं इसलिए हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम लोगों को अपनी चीक्स थोड़े से फ्लैश दिखे और हमारे चिक्स के साथ साथ हमारे सेम कलर हम लोग अपने आईलिड पे भी यूज़ करें, जिससे कि हमारे आईलिड भी एकदम अच्छे से बैलेंस्ड रहे। आप लोग देख सकते हैं
और उसके लिए मैंने इलाना ब्यूटी का ये क्रीम ब्लश यूज़ किया है। इसका जो शेड है वो है पिंको पिंक, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा फ्रूटी है। ब्लेंड करना पड़ेगा। मैं बता दूँ हम लोग रेड ब्लश क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि रेड ब्लश क्या होता है, विंटर्स में रेड ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि रेड चिक्स इन विंटर्स, जैसे जो कश्मीर में होता है ज़्यादा लड़कियों का या फिर पहाड़ी लड़कियों का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग ठंडी में रहते हैं, तो ठंडी में हम लोग का रेड चिक्स या फिर रेड नोज बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं, लेकिन समर्स में ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ एकदम हल्का पिंक आप लोग यूज करें, एकदम हल्का, जैसे कि मैंने ये इस्तेमाल किया है। और आप लोगों को ऐसा ऊपर से लगाना है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा फ्लैश लुक लगे। अगर आप लोग ये नीचे के एरिया पे लगा देंगे तो वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लैश और पिंक पिंक लुक लग रहा है मेरा, आप लोग देख सकते हैं एकदम नेचुरल, कोई नहीं बता सकता कि मैंने मेकअप किया। नेचुरल लगना चाहिए तो इसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा नेचुरल क्रीमी पिंक कलर, ये देख सकते हैं एकदम अच्छा सा पिंक कलर भी हम लोग को इस्तेमाल करना है। हल्का लगाने से ही उसको भी ठीक से अपने दो लिप्स के अंदर ऐसे ब्लेंड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देख सकते कितना ज़्यादा अच्छा लुक लग रहा है। तो मैं अभी फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा नेचुरल और पिंकी लग रही है, और मेरे बाल भी मैंने एक साइड कर लिया है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बाल बांध भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगे, क्योंकि आपका एक साइड पे होगा, अगर एक साइड पे होता तो आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप लोग उसे इस साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एयर का जो बैलेंस है वो बनता रहेगा और आपकी लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी लुक, आई होप आप लोगों को मेरी लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप लोग भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, और आप लोग अपने आप को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं अपने समर्स में। और ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं वैसे भी डेली बेसिस पे वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, ऐसे मेरी वीडियोस डेली पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग डेली मेरे चैनल पे फॉलो रख सकते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली बेसिस पे आने वाले हैं। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।